कि ये तारिक जमील के ऊपर अल्लाह के एक अजाब की फॉर्म थी और उसकी वजह क्या थी कि उसने अल्लाह का पैगाम उस तक पहुंचा और उसने उसका बकायदा इनकार कर दिया। और ये निशान इबरत है पूरी उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए निशान इबरत है कि जो अल्लाह के हक़ को झुठलाएगा तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि फिर देखो मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। लिहाजा ये सब के लिए इबरत है। नेक्स्ट, अब वो लोग हैं कि जिन्होंने, जिनके हवाले अल्लाह ताला ने वो मसनदें, वो ज़िम्मेदारियाँ की हुई हैं। अहले फ़लस्तीन से क्यों अल्लाह का अजाब स्टार्ट हुआ? क्योंकि उनके ऊपर, उनके पास अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल भेजे थे, उन्होंने मुसलसल गद्दारी की, ख़यानत की अल्लाह ताला की अमानत से। उसके बाद पाकिस्तान का भी आप सबसे गुजारिश की थी कि पाकिस्तानियों से भी स्टार्ट होगा। पाकिस्तान में उनसे स्टार्ट हुआ, दो लोगों से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले किससे स्टार्ट हुआ? तारिक जमील की बारी बाद में आई है। पहले उससे स्टार्ट हुआ कि जिनको अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, इमरान खान से तो पहले, उस पर तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था ना। लेकिन अभी ये जो नई लहर जिस पर अल्लाह ताला ने फाइनली कहलवाया है सितंबर में, 28 सितंबर को, कि अब अल्लाह का अजाब, अल्लाह की कसम, अल्लाह के अजाब का फैसला हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले किस पे हुआ? बम धमाके हुए, यानी हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको अल्लाह ताला ने झिझोड़ा है। सिक्योरिटी जो हमारा पूरा इदारा है उसको अल्लाह ताला ने झिझोड़ा है। क्यों? दीनी लिहाज से अल्लाह ताला ने मसनद किसको दी हुई थी? तारिक जमील को। लेकिन रिसोर्सेज के लिहाज से अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी और मसनद किसको दी हुई है? हमारी पाक फ़ौज को और हमारे इदारों को, इन दोनों को अल्लाह ताला ने झिझोड़ा है। अब ये जो, अगर पाक फ़ौज और पाकिस्तान के ये इदारे मोहम्मद कासिम को मान लेते हैं, उनसे मशवरा लेना शुरू कर देते हैं और अल्लाह ताला की गाइडेंस के मुताबिक चीज़ों को चलाते हैं, तो फिर तो ये जो दहशतगर्दी के हमले हैं और इस तरह की चीज़ें, ये तो रुक जाएंगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से, या कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन ये जो बाकी लोग हैं, ये जब तक नहीं मानते, अगर ये नहीं मानते तो इनका भी कंटिन्यू रहेगा वल्लाहु आलम। लेकिन ये जो दीनी मसनदें जिन्होंने संभाले हुई हैं और लोगों को दीन के पेशवा बनाते हैं ना, अब इन में नेक्स्ट नेक्स्ट की बारी है वल्लाहु आलम। अब नेक्स्ट किस में आती, किसकी बारी आती है? अल्लाह ताला ने अगले नंबर पे जो मुझे नज़र आता है, तारिक मसूद को बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग दी हुई है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग दी हुई है, और जिनको लोग समझते हैं कि ये लोग सही हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत हवाले नहीं कर रहे। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अब किसकी बारी है। लेकिन अल्लाह ताला मनवा के छोड़ता है, मनवाने वाले बड़े डाडे हैं। हाँ हाँ, नवाज शरीफ की भी बारी, हाँ वो तो है, वो वही है, वो फौज पे जो आ रहा है ना, ये उसी का मामला है। वो एक्सट्रीम बारी जो है ना, एक्सट्रीम सिचुएशन जाके नवाज शरीफ पे क्रिएट हो जाएगी, जिसने अल्लाह ताला की, इसको कई दफ़ा मसनद दी गई, जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसने उससे वफा नहीं की। तो अब उसको भी अल्लाह ताला निशान इबरत इंशाल्लाह बनाएगा, और उसके ज़रिए से अगर हम उससे पहले पहले पाक फ़ौज और इदारे नहीं मानते, तो फिर पूरे अहले पाकिस्तान के ऊपर एक अल्लाह का अजाब का दरवाज़ा खुल जाएगा।